नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। कभी कभी राजनीति इतने लाइट मूड में चली जाती है कि पूछे मत, जैसी कि इस वक्त है। अपने बचपन में मैंने जितनी शादियां अटेंड की हैं, वहां बारात के दरवाजे पर आते ही यही गाना बजता था, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा कि परसों नीतीश कुमार के लिए यही गाना बजाएगी या फिर कुछ और सोच रखा है। जैसे बदलना मौसम की प्रकृति है, वैसे ही पलटना नीतीश कुमार की प्रवृत्ति है। इसीलिए मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूं। सुबह नीतीश कुमार बंगले पर झंडा फहराने के बाद जलेबियां बांट रहे थे, उसके बाद परेड में गए। चाहते तो 4-6 जलेबियां तेजस्वी के लिए बांध कर ले जा सकते थे, लेकिन ये तो छोड़िए, चाचा भतीजा दूर दूर बैठे रहे, आपस में बात तक नहीं की। शाम को राज्यपाल ने चाय पार्टी रखी तो वहां तेजस्वी नहीं पहुंचे। चाचा ने भी इंतजार नहीं किया, भतीजे की कुर्सी से डिप्टी सीएम की पर्ची हटवाकर अपने खास अशोक चौधरी को बिठा लिया। और इस वक्त अपडेट यह है कि भयंकर उठापटक चल रही है। नीतीश ने कल जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। हो सकता है कल ही आरजेडी से तलाक लेकर परसों यानी 28 को बीजेपी के साथ फेरे ले ले। कल पटना में बीजेपी की भी बैठक है जिसमें नीतीश के साथ रिश्ते की शर्त तय होगी, और कल ही आरजेडी की भी बैठक है। लालू यादव पूरा जोर लगा रहे हैं कि कहीं से भी खींच तान कर इतने नंबर हो जाए कि सरकार बच जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सहानुभूति का पात्र अगर कोई है तो वो है इंडी अलायंस। बताइए, सूत्रधारी सारे सूत्र बिखेर कर अपनी सारी धार मिटाकर जाने को तैयार है। ये तो वैसा ही हो गया, अगर लगान फिल्म का भुवन खुद की बनाई क्रिकेट टीम को छोड़कर सामने की टीम से खेल लेता तो सोचिए कैसा लगता। यहां तो ये भी चर्चे हैं कि भुवन अपने साथ कांग्रेस और आरजेडी के खिलाड़ी भी ले जा सकता है। तो यही बहस है आज की। जानेंगे कि पलटीमार नीतीश क्यों सबका प्यार है, पूरा गेम भी समझेंगे। पहले सबको सुन लेते हैं। कंफ्यूजन को दूर कर दें, ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है, जैसे नीतीश कुमार उसे सुशील मोदी। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दी भद्दियां गालियां दिया जाता था। हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है, पगड़ी का जवाब में पगड़ी के समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस भी चाहती है कि मुख्यमंत्री जी को आगे आके राज्य की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जीतने के बाद फिर से महागठबंधन की ओर न चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी। हमें उम्मीद है नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, लगातार धड़ाधड़ हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं प्रशांत हमारे सहयोगी पटना से और रविंद्र मेरे सहयोगी दिल्ली से, क्योंकि बीजेपी की मीटिंग खत्म हो गई है। दोनों के पास जाएंगे, प्रशांत के पास भी दिल्ली से और रविंद्र कुमार के पास भी, लेकिन गेस्ट का बहुत शानदार पैनल है मेरे पास और आज के दिन के लिए बड़ा मौजूद भी है। डॉक्टर अजय आलोक स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, राजीव रंजन जी महासचिव नेशनल सचिव जेडीयू के, राष्ट्रीय सचिव कर दीजिए महासचिव ने, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी की और AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। अजय आलोक जी, परसों गाना बरसेगा बहारो फूल बरसाओ, आगे नहीं बोलता मैं। आज ये गाना क्यों नहीं चलेगा? आज ही चल गया मतलब? नहीं, आज ये गाना क्यों नहीं चलना चाहिए? दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, आज क्यों नहीं चला? आपको बजाना चाहिए था। कहां दीपक जी मुझे घसीट रहे इसमें, हम ना 3 में है ना 13 में। कहा अभी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना सरकार में भी है, 3 में भी है। जय आलोक जी, आज बहुत दिन बाद मैंने राजीव रंजन जी को मुस्कुराते हुए देखा है। राजीव रंजन जी, खुश रहना चाहिए, यह सबसे बड़ी कला है खुश रहना जी। नहीं नहीं, हम ना 3 में है ना 13 में है, जो करना है भाई। देखिए, ये घमंडियों का प्रॉब्लम है, आपस में सर फुटा हुआ इनके यहां हो रहा है। इस्तीफा अगर नीतीश जी देते हैं नहीं देते हैं, क्या करते हैं ये उन पर निर्भर है, ये भी हम लोग को नहीं पता है। अभी आप तलाक की बात कर रहे थे और अभी आप हमारी शादी की बात करने लगे। अरे पहले एक शादी को टूटने दीजिए, दुल्हन को भागने दीजिए, तब तो तय होगा कि दुल्हन दूसरी शादी करेगी कि नहीं करेगी।
आप पहले ही लगातार हलाला और तीन तलाक एक साथ करवा रहे हैं, तो दोनों चीज नहीं ना हो। अरे अजय जी, अब देखिए पर्ची भी उतार के हटा दी उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अशोक चौधरी ने, अब कुछ बाकी रह गया है क्या अजय आलोक जी? अब ये देखिए, आप बताइए दीपक जी, ये मेरे साथ अन्याय हुआ कि नहीं? मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री की पर्ची मंत्री ने हटा दी जो जेडीयू का मंत्री है। अब सवाल अगर आप बीजेपी से पूछ रहे हैं कि ये क्यों उसने किया, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या विपक्ष को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ले लें? नहीं, विपक्ष को मतलब इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं हम लोग मजबूत, विपक्ष को साइकोलॉजिकल तोड़ने की जिम्मेदारी तो अजय आलोक जी है ना आपके पास, जो आप कर रहे हैं नीतीश कुमार को लाकर, सूत्रधार ही सारे सूत्र लेके भाग गए। नीतीश कुमार अभी आए कहां है भाई, अभी हटे कहां है उस गठबंधन से, इस्तीफा कहां दिया है, सरकार गिरी कहां है, तो हम कहां से पिक्चर में आ गए? अरे अजय आलोक जी देखिए, हम ये तो सब फॉर्मेलिटी बात की है, मैं हीरो बना दूं आपको, नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं पहले, बिना बीजेपी के विधायक दल की बैठक के, जेडीयू के विधायक दल की बैठक के? क्योंकि वो मैंडेट उनको राज्यपाल को दिखाना होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आरजेडी पहले जाएगी और जाकर बोल देगी कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब बहुमत नहीं है। तो वो इंतजार कर रहे हैं ना, कच्ची रोटी खा लेंगे नीतीश कुमार, आप इतना कच्चा खिलाड़ी समझते हैं जालो जी, इतने व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कच्ची रोटी खा ले? न सूत न कपास, अब पूरा का पूरा रजाई बुन दे, हम सूत कपास कुछ दिखेगा? हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह पूरे घटनाओं पे पहली निगाह रखे हुए हैं, और बदलते राजनीतिक समीकरणों में, बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में हमारा क्या निर्णय होगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एक सुर में मानेंगे इसको, जब परिस्थिति आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन कल ऐसा होगा तो कब क्या करेंगे, परसों ऐसा होगा तो कौन सा गाना गाएंगे, वैसे करके राजनीति थोड़ी ना करेंगे। अभी समस्या आरजेडी, कांग्रेस और सारिका पासवान की पार्टी की है, और राजीव रंजन जी की पार्टी की है, समस्या हमारी नहीं है। ठीक है, राजीव रंजन जी के पास चलता। राजीव रंजन जी कुछ दिनों से नीतीश जी गाना गा रहे थे क्या, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। और आज तो अशोक चौधरी जी ने तस्वीर साफ कर दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो है वो चेयर पर जो उनका नाम लगा था वो हटा के, तस्वीर साफ है। अब देखिए दीपक जी, तेजस्वी जी के नहीं पहुंचने की जानकारी राजभवन को हो गई थी, और उसके बाद ही अशोक चौधरी जी उस कुर्सी पर बैठे, और ये इस बात को जब सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार जी ने बाहर निकलने समय भी कहा कि जो नहीं आए हैं उनसे पूछिए वो क्यों नहीं आए। बिहार की राजनीति में आज जो तस्वीर है, नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा बतौर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन्हें लगातार जनादेश भी मिले चाहे वो जिस गठबंधन के मुखिया थे, ये जो कद है ये उन्होंने हासिल किया है लगातार जनता के बीच काम करके। आप हाल के दिनों के फैसले देख लीजिए, उन फैसलों से आप कह सकते हैं कि ये बिहार मॉडल है। संसाधनों के अभाव के बावजूद 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का की सहायता, लगातार नौकरियां, 5 लाख नौकरियां, 10 लाख लोगों को रोजगार, आधारभूत संरचना का पिछले वर्षों में अभूतपूर्व विस्तार, और इसके साथ ही जातीय जनगणना से लेकर आरक्षण तक के जो फैसले, ये सब युगांतकारी और कालजयी निर्णय। सही है, सही, बिल्कुल। उनकी पहचान यही है, और उनकी पहचान यही, किसी भी गठबंधन को उनको नेता स्वीकार करने में कठिनाई इसलिए नहीं हुई है कि वो अगर गए तो वो जीत की गारंटी बनकर खेले, और जब भी उन्होंने कोई फैसला लिया तो बिहार की बेहतरी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारिका पासवान जी बताइए, फिर नीतीश कुमार जी जो है पलटी मार गए, अब क्या कहेंगे तेजस्वी जी? देखिए दीपक जी, हम मीडिया के कयासों और बीजेपी के प्रयासों पे कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं करते। पर्ची हटा दी, सार्वजनिक ढंग से पर्ची हटा दी गई उप मुख्यमंत्री की, अशोक चौधरी बगल में जाके बैठ गए, इससे ज्यादा क्या कहेंगे सारिका जी? अगर आपको अभी भी उम्मीद है तो भाई भगवान सबका भला करे, यही कहूंगा मैं।
देखिए, उम्मीद तो बीजेपी ने व्यर्थ कर रखा है कि 28 तारीख को कुछ होंगे, लड्डू बनेंगे और लड्डू बटेंगे, लेकिन ये जो 28 जनवरी की तिथि जो है ना 2028 में चली जाने वाली है, लेकिन बीजेपी का कोई भी अरमान जो है ना वो पूरा नहीं होने वाला है। बिहार के संदर्भ में ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है, क्योंकि अभी महागठबंधन आज लड्डू नहीं सारिका जी, आज जलेबी ट्रेंडिंग है। नीतीश कुमार जी बांट रहे थे, चाहते तो अपने आवाज से कुछ जलेबी पैक करके लालू जी के घर भी भिजवा सकते थे, नहीं भिजवाई उन्होंने। तेजस्वी जी से तो बात तक नहीं की, एक कुर्सी का डिफरेंस हो गया, दोनों ने बात ही नहीं की एक घंटे के आसपास। क्या शानदार, क्या शानदार संवाद है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का। नहीं नहीं शानदार संवाद है, इसमें कोई बात नहीं। और बड़े अभिभावक के रूप में तेजस्वी यादव जी ने हमेशा ही वो सम्मान और वो संवाद जो है वो उस हिसाब से उन्होंने रखी है और वो गरिमा हमेशा उन्होंने मेंटेन भी किया है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी ऐसा दृश्य था जो बीजेपी को सुकून दे कि कुछ ऐसा हो। अभी भी बीजेपी जो है ना जो भी प्रयास वो कर रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो मंदिर वाला मंत्र है ना वो फेल हो गया है बिहार में। अब बीजेपी नए जो है ना यंत्र के साथ बिहार में नई बदलती राजनीति को एक देना चाहते हैं रुख, जो मुझे लगता है वो कभी भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता पर्सनली बीजेपी ने जिस तरीके से छला है उन्होंने बिहार को, अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार से कई सांसद जो है ना बीजेपी को देने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने बिहार को हमेशा ही हाशिए पर रखा, चाहे वो विकास की बात हो या मिश्रित राज के दर्जे की बात हो। और अगर हम पर्सनल बयानबाजी पे भी जाए दीपक जी, तो बीजेपी ने जितना मखौल और जितनी बेइज्जती और जितने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी के लिए किया, मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। ये तो वही लोग हैं जो सारिका जी कहा करते थे। सारिका जी, मैं तमाम प्रवक्ताओं के पेशेंस की दाद देता हूँ, आज मुझे प्रवक्ताओं को प्रणाम करने का मन कर रहा है। सारिका जी को पता है जो 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 हमारी जो झोपड़ी है उजड़ गई है, पता है, लेकिन मुझे लालटेन जली हुई है, लालटेन जली हुई है। राजीव रंजन जी तीर कमान साथ के बैठे हैं और राजीव आलोक जी कमल का फूल। अब वाजपेयी जी आपके बंगले का क्या होगा, वो तो आपके बंगले का क्या होगा, लेकिन वाजपेयी जी वो तो पशुपति भारत ले गए, और पशुपति भारत नीतीश के खास, चिराग पासवान मोदी जी के खास। अब ये कैसे गठबंधन की हिस्ट्री बनेगी, जरा वाजपेयी जी समझाइए। ऐसा है दीपक जी, वैसे भी एक लाइन कहना चाहता हूँ, गीता में कहा गया सारिका जी, गीता में कहा गया है सारिका जी क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, बस मैं तो इसी भाव में रहता हूँ। वाजपेयी जी देखिए, ये जो लालू वर्सेस और ये नीतीश बाबू आज का नहीं है, पूरी राजनीति लालू वर्सेस कांग्रेस चलती रही है। आपको याद होगा समता पार्टी जब बनाई थी नीतीश बाबू ने, लालू को जनता दल को छोड़कर ही बनाई थी, और तब से चल रहा है ये, आज भी वही है। देखिए नीतीश बाबू का वन पॉइंट प्रोग्राम होता है किसी तरह से उनको कुर्सी मिल जाए, बस उससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। अगर होता तो बिहार की चिंता होती, तो ये बिहार के लिए 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और 15 साल लालू यादव रहे हैं, और आज भी पता है क्या, पिछड़ा राज है जी, बीमारू राज है जी, स्पेशल स्टेटस दे दो। मोदी जी ने दिया था 2,20,000 करोड़, कहा है उसका हिसाब, हिसाब लेंगे अब तो उनसे, पहले भी लेते थे अभी भी लेंगे, और अभी भी बिहार की बात करेंगे। एक तो ये है, दूसरा ये नीतीश बाबू 2019 में बीजेपी के साथ ही थे और हम भी साथ थे, हमको 7 सीटें मिली थी, इनको शायद 16 या 17 मिली थी, तो हमारा नीतीश से कोई व्यक्तिगत थोड़ी है, हम तो बिहार के हित की बात तब भी करते थे अब भी करते हैं। नीतीश बाबू आएंगे जाएंगे उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, हलाला बैन नहीं है दीपक जी, हलाला खुला हुआ है, ये हलाला वाली प्रक्रिया है, नीतीश बाबू उसी का फायदा उठाते हैं। और दूसरा नीतीश बाबू के बारे में ये भी कहावत है कि दो पर जेब रखते हैं, जेब में एक पहना देते हैं, दूसरी पहनाने की तैयारी दिखाते रहते हैं, तो क्या बात करेंगे हम के बारे में। देखिए जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है ना, आज में पहली बार गए, फिर 13 में गए, फिर 17 में गए, फिर 22 में गए, अब ये 24 में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी। तो अब अजय आलोक जी आज एक शेर कहने का मन कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए और इरशाद तो कह दीजिए सर। न जाने कब वो पलट जाए, न जाने कब वो पलट जाए, दर खुला रखना, न जाने कब वो पलट जाए, दर खुला रखना, गए हुए के लिए दिल में कुछ जगह रखना। तो कुछ जगह है अजय आलोक जी के दिल में नीतीश कुमार जी के लिए? अरे बड़े शांत हो गए, इतने शांत आप कभी नहीं थे।
नहीं नहीं मैं अभी भी बहुत प्रफुल्लित हूँ, आप चिंता मत कीजिए। राजनीति में जो जगह तो हमेशा सबके लिए बनी रहती है, सिर्फ देशद्रोहियों के लिए जगह नहीं होती है। और वही सही करना चाहिए, देशहित की राजनीति करनी चाहिए। आप जो बात बोल रहे हैं कि जगह सबके लिए रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जगह सबके लिए है, देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ तक रही नीतीश जी की बात, तो उनके राजनीतिक चरित्र को यहाँ पर सब कोई जानते हैं अच्छी तरह से। वो हमारी समस्या नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो समस्या आज की तारीख में आरजेडी के लिए है, जेडीयू के लिए खुद है। आगे राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा, राजनीतिक चरित्र कैसा बदलता है बिहार का, कैसे हालात रहते हैं, उसके हिसाब से एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी जो कि 18 राज्यों में है आज की तारीख में और पूरे देश में है, अपना सेवा कर रही है लोगों की। हम गिद्ध नहीं है आरजेडी और कांग्रेस की तरह कि बिहार को गिद्ध दृष्टि से देखें कि किस तरह यहाँ की सत्ता हवे आ जाना है, हथियार लेना है और नोच नोच के खाना है बिहार को। हम बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतित हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिसकी तथाकथित हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब ऐसी कोई संभावना बनेगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो एक बार जान जाइए भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन बेस्ड पार्टी है। जो नेतृत्व तय करेगा वही करेंगे, किसी को पसंद आए चाहे ना आए। ठीक है राजीव रंजन जी, एक बयान याद दिलाता हूं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा, ये मुझे याद है नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर कहा था। अब क्या बदल गया? देखिए अभी क्या कुछ बदला है ऑन रिकॉर्ड आप बता सकते हैं कि हम लोग एनडीए में आ गए हैं, हम लोग इंडिया ब्लॉक में हैं, इंडिया अलायंस के अगुआ है नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसकी रचना की है, इसके मुख्य शिल्पकार हैं, इसके सूत्रधार हैं। अरे इसीलिए तो तोड़ रहे राजीव रंजन जी उनको, आप समझे नहीं। इंडिया ब्लॉक, अभी भी आपको इंडिया याद आ रहा है, गठबंधन इंडिया, एक चीज दीपक जी इसीलिए तो तोड़े हैं उनको, सूत्रधार को भाग गए वो सब। नसीहत देना प्रवक्ताओं की एक आदत हो जाती है और कुछ लोग कई बार खुद नहीं ये कह पाते हैं कि उन्होंने कब क्या किया, लेकिन नेताओं पर बहुत आसानी से उनकी प्रतिक्रिया आ जाती है। मैं अजय आलोक जी को भी कहूंगा, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक चरित्र पर चर्चा करने के पहले उन्हें अपने लंबे कार्यकाल को भी याद करना चाहिए जो नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने गुजारे हैं, और ऐसी व्यक्तिगत और तर्क टिप्पणी राजनीति में नहीं करनी चाहिए। जहां तक बयानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी अनेक बयान आए, आरजेडी के नेताओं के भी बयान आए, नीतीश कुमार जी ने भी कहा, उन्होंने फैसले जब भी लिए हैं वो बिहार की बेहतरी के लिए लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे लाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने नहीं लिए। कभी कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा। उनकी जो जीवन शैली है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, वही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी किसी गठबंधन का वो हिस्सा बनते हैं, चेहरा बनते हैं, तो जनता आंख मूंद करके उस गठबंधन को आशीर्वाद देती है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात की राजीव जी आपने। नीतीश कुमार जी के कुछ स्टेटमेंट सुना तो राजीव जी आप आइएगा, कहिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। नीतीश कुमार जी की दो स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, एक सवाल सारिका जी से, एक सवाल अजय आलोक जी से। सुनिए नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे। लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कह के लिए बोल रहा है, इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कृष्ण का, हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। 9 महीने में ही सुर बदल गए। अब अजय आलोक जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी, राजीव जी ने आपके लिए टिप्पणी की उस पर भी आप जवाब दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी इतने बार पलटे हैं फिर आपके साथ आ रहे हैं, फिर ना पलट जाए सर, मालूम पड़ा 2 महीने बाद फिर पलट गए वो, सब क्या करेंगे बीजेपी अजय आलोक जी? देखिए पहले एक मिनट, मैं राजीव जी की बात का बस ये बताना चाहता हूं कि मैंने कोई व्यक्तिगत और तल्ख टिप्पणी नहीं की थी। मैंने कहा था नीतीश जी के राजनीतिक चरित्र से हम लोग सबको वाकिफ हैं, उसमें साफ मेरा मतलब था कि 2017 में भी जब गठबंधन टूटा था तो क्यों टूटा था राजीव जी, 19 महीना वो गठबंधन चला, नीतीश जी ने कहा कि मैं असहज था,
जिस तरह से चल रहा था 19 महीने बहुत चल गया, तो ये तो 16 ही महीने में गया। आप जानते हैं कि जब अगर लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस ठीक से नहीं चलती है तो नीतीश कुमार असहज होते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये उनका राजनीतिक चरित्र है, पलटना नहीं पलटना राजनीतिक अवसरवादिता सब कोई करते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई एक दूसरे से राजनीति का मतलब ही अवसरवाद है, पहली बात। अब आप दीपक जी जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 2 महीने बाद फिर पलट जाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात, हमारे पास आ तो जाएं, तब तो हमें असर पड़ेगा, अब तो आ जाएंगे तब देखेंगे। अच्छा, पलट गए नीतीश जी, नहीं नहीं 2022 में ही पलट गए, तो हमसे क्या असर पड़ा, हम पे क्या असर पड़ा आप बताइए ना? हम तो और मजबूत हो गए बिहार में, 3-3 उपचुनाव हुए, अकेले हमने महागठबंधन को हराया, आज हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज फिर मैं कह रहा हूं, अगर ये गठबंधन टूटता है तो ये सिर्फ इसलिए टूटेगा क्योंकि नीतीश कुमार का बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो रहा है, आरजेडी के साथ रह के विश्वसनीयता खत्म हो रही है, गवर्नेंस जीरो हो गई है। राजीव जी अग्री करेंगे, शिक्षा मंत्री की लड़ाई होती है एसीएस शिक्षा से, सोचिए कभी किसी प्रदेश में होता है? एसीएस शिक्षा सचिव जो है वो लड़ जाता है पटना डीएम से कि स्कूल बंद हो कि नहीं हो, ये गवर्नेंस होता है मुख्यमंत्री के नाक के नीचे? नीतीश जी लाचार फील कर रहे हैं, और उनके चरित्र को मैं जानता हूं कि वो लाचार फील करके काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी सरकार में रहने सच्चा वो सरकार को लात मार देंगे, ये चरित्र है उनका, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं तारीफ ही कर रहा हूं इस मामले में। लाचार बना दिया है सारिका पासवान जी आपकी पार्टी ने नीतीश जी को, और क्या उनके लिए आपके दरवाजे खुले रहेंगे कि अगर वो कहीं बीजेपी से तोड़ताड़ के वापस आए तो फिर एक बार आपके साथ गठबंधन कर ले? आपके दरवाजे खुले नीतीश कुमार के लिए अभी भी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहले भी क्लियर किया है इस बात को, कई बार उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग लाख प्रयास और कयास करिए, हम तो अब हम बोलवे नहीं करेंगे, और देखिए वो चुप है, और बीजेपी भले जो सोचे जो उम्मीद में रहे, लेकिन देखिए जब बात उपलब्धियों की हो रही है दीपक जी, तो इससे आप भी नहीं इनकार करेंगे कि बिहार में पिछले 15 महीने में जिस तरीके से जितने नायाब और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, मुझे लगता है आज बिहारवासी निश्चित रूप से बहुत खुश है, और सब जानते हैं कि ये सरकार कितनी बखूबी विकास के दर पे दुगनी रफ्तार में चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी इस सरकार पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। प्रश्न तो वो पिछले बार जब बीजेपी सरकार में थी नीतीश कुमार जी के साथ, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, उस पर कई प्रश्न लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार जब से बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे डिप्टी सीएम लगातार बिहारवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो कहां प्रयास, कहां प्रयास, कहां सूत्र, कहां क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं दीपक जी? मुझे लगता है, अरे सारिका जी बताइए, मनोज झा जी ने क्यों बोला कि मुख्यमंत्री संशय दूर करें, क्यों बोला? और संशय दूर करने की बात जैसे ही कही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पर्ची को उठा के फेंक दिया गया और अशोक चौधरी वहां जाकर बैठ गए। सारिका जी किस दुनिया में रहते हैं आप? अपमान तो किया ना तेजस्वी यादव का अशोक चौधरी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर, बताइए किया या नहीं किया? पर्ची उठाकर फेंकना अपमान है या नहीं? हाँ या ना, बिहार में बताइए, बिहार में और ज्यादा टाइम दे दीजिए। सम्मान तेजस्वी यादव जी का है, किसी की यहाँ पे हैसियत और विसात नहीं है कि अपमान कर दे। जो सम्मान बिहार में तेजस्वी यादव जी का है, जो उन्होंने कद अपना बढ़ाया है, केंद्र की सरकार जब तेजस्वी यादव जी के नाम से 32 साल के युवक से जब मोदी जी डरते हैं, उनके उस गरिमा से, उनकी उन उपलब्धियों से, उनकी उस विचारधारा से, तो मुझे नहीं लगता है दीपक जी आज मुझे इस बात को बोलने की आवश्यकता है कि तेजस्वी यादव जी का अशोक चौधरी ने क्यों कर दिया सारिका जी? ये अपमान है कि नहीं तेजस्वी जी का, बताइए? इतने अच्छे इंसान का ये अपमान है कि नहीं? उसने जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दम पर खुली चुनौती दी, नीतीश कुमार जी को ऑलमोस्ट हरा ही दिया, ये अपमान नहीं? तेजस्वी यादव का पर्ची फाड़ के फेंक देना तो क्या है, अपमान है या नहीं है दीपक जी? अपमान तो बीजेपी कर रही है, बिहार वासियों की तमाम भावनाओं का अपमान करती आई है, बिहार वासियों के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री का, अशोक मुख्यमंत्री का अपमान करती आई है, नीतीश कुमार जी ने कुछ किया नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इस अपमान को बिहार के लोग स्वीकार करेंगे, और बिहार वासी निश्चित रूप से बीजेपी वाले को जवाब देंगे, और वो जवाब वोटों के द्वारा होगा दीपक जी। और ये अपमान तेजस्वी जी जवाब देंगे, तेजस्वी जी क्यों जवाब देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तमाम चीजों का, और उन्होंने पहले भी जवाब दिया। राजीव रंजन जी से पूछ लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवक्ता है, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है। राजीव रंजन जी बताइए, ये अपमान क्यों किया अशोक चौधरी ने? तेजस्वी की पर्ची उठा के क्यों फाड़ फेंक दी? और आज सबको जलेबी खिला रहे थे नीतीश कुमार जी,
तेजस्वी को खिलाएंगे, तेजस्वी का डब्बा भी नहीं भेजा गणतंत्र दिवस का। गलत बात है राजीव जी। देखिए अब एक सवाल के बार बार जवाब दिए जाने का क्या अर्थ है, जब मैंने आपके सवाल, ये सवाल आपने पहले भी पूछा है, मैंने पूछा था आपसे, अगर आपने बोला था हम इंडिया के, नहीं आज बड़े आज आपने पूछा है, हम इंडिया के पार्ट है, 28 को यही बात बोलिएगा। आपने पर्ची हटाने की बात अभी मुझसे कुछ देर पहले भी पूछी थी, मैंने कहा था राजभवन को इसकी सूचना मिल गई थी, तेजस्वी जी उपलब्ध नहीं होंगे और इसीलिए वो पर्ची अशोक चौधरी जी ने हटाई। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है और न कोई अनादर का भाव, और इस प्रतिक्रिया को दोबारे दोहराने का मैं नहीं समझता कोई औचित्य है। जहां तक बाकी राजनीतिक जो गतिविधियां, अच्छा चलिए जलेबी क्यों नहीं पहुंचाई उन्होंने आज गणतंत्र दिवस की, ये जवाब मैंने मान लिया। आज जलेबी क्यों नहीं पहुंचाई उन्होंने लालू जी के घर, राबड़ी जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए, सबको जलेबी खिला रहे, उनको खिला ही नहीं रहे आप। गलत बात है ना राजीव राज, देश का इतना बड़ा त्यौहार है, जलेबी तो शिष्टाचार है, आज एक परंपरा है, और ये किसको पता है किसके आज जलेबी, शिष्टाचार के नाते ही भेज देते एक किलो जलेबी, तो इसके लिए शिष्टाचार के नाते भेज देते राजीव रंजन जी एक किलो जलेबी के घर, जी न्यूज के कैमरे के सामने में वो जलेबियां भेजने का कोई मतलब तो नहीं होता है ना, जलेबियां गई होंगी, वहां भी गई होंगी, वहां से आई भी होंगी, इन बातों का क्या मतलब? अरे माहौल तो जलेबी अच्छा बांटने वाला नहीं लग रहा सर, माहौल तो जलेबी बांटने वाला लग नहीं रहा है। नहीं ये अवसर है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, वो अपने आवास पर भी ध्वजारोहण करते हैं ना, और वहां जब भी ध्वजारोहण होता है वो जलेबी बांटते हैं, हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं बिहार में जलेबी और समोसे, ये गणतंत्र दिवस बिहार की राजनीति में जलेबी है, हाँ ये प्रचलन बिहार की राजनीति जलेबी की तरह सीधी है, क्या कहेंगे वाजपेयी साहब आपको? बिहार का मामला दीवार पे लिखा नजर आ रहा है सबको, लेकिन ये प्रवक्ता दोनों महोदय जो है ना वो उसको पढ़ते हुए भी कह रहे नहीं कुछ नहीं, मैं तो राजीव रंजन जी, सारिका पासवान जी, अजय आलोक जी, तीनों की हिम्मत की दाद देता हूँ, तीनों की हिम्मत की दाद देता हूँ। मुझे आज कौन याद आ गया अजय आलोक जी, पता है जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया ना 1993 में मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, विट्ठल नरहरी गाडगिल कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे और जो सवाल उनको पसंद नहीं आता था वो सुनते ही नहीं थे, ऐसे ऐसे करते थे, सुनाई नहीं दिया और आधे सवाल वो डक कर जाते थे। तो आज मेरे को लग रहा है कि अजय आलोक जी, राजीव रंजन जी, एके वाजपेयी जी, सारिका पासवान जी, सब में जो है मुझे विट्ठल नरहरी गाडगिल दिखाई दे रहे हैं। वाजपेयी जी बोलिए। नहीं हम देखो एक बात समझ लो दीपक जी, नीतीश बाबू क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, नीतीश बाबू का पानी खत्म हो चुकी है, बल्कि वो अपनी एक तरीके से मान सम्मान को अपने आप ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर वो तरीके से राजनीति करते रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब उनको चिंता सिर्फ इसी बात की है कि उम्र के इसके दहलीज पे क्या करूंगा मैं, कैसे होगा बगैर सत्ता के, ये चिंता है उनकी। और उसी चिंता में चलते चलते कभी इधर जाने की बात कर रहे हैं, कभी उधर जाने, फंस गए हैं वो पूरी तरीके से फंसे हुए। हमारी तो उनके लिए संवेदना है भाई कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, राजनीति से संन्यास ले लो और घर बैठो आके, क्योंकि 18 साल में बिहार को इन्होंने क्या पहुंचा दिया, मैं बार बार सवाल ये पूछता हूं। अभी ये जो जातिगत सर्वे हुआ है ना उसमें 94 लाख परिवार गरीब हैं, 94 लाख को अगर 5 यूनिट से टैली कर उसको गुणा करेंगे तो 4,70,000 लोग होते हैं, मतलब बिहार की आधी जनता अभी भी गरीब है जिसको 2 लाख रुपए देने की बात करते हैं, और अगर 2 लाख रुपए देंगे तो 1,18,000 करोड़ का बजट बनता है, इतना तो इनका बजट है सारे साल का, और उसमें 250 करोड़ रुपए एलोकेट करने के बाद तो यही करते रहे, कोई तकड़म करके कभी किसी तरीके से वोट जीत जाए, कभी किसी तरीके से, उसी तकड़म में अब ये लगे हुए, देखते हैं क्या होता है। अभी एक दो दिन आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो शपथ ले रहे नीति जी, अब देखने को बचा क्या वाजपेयी जी, अब देखने को बचा क्या, सारिका जी 28 को शपथ ले रहे, 12 बजे इस्तीफा देंगे, 4 बजे के आसपास शपथ हो जाएगी, तब तक फॉर्मेलिटी हो जाएगी विधायक दल की बैठकों की, वो अब इसीलिए नहीं दे रहे इस्तीफा क्योंकि वो कार्यवाहक हो जाएंगे सीधे, तेजस्वी जी चले जाएंगे कि मेरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मुझे अवसर दो, और तकनीकी तौर पर उनको फंसा सकते हैं। राजीव रंजन जी वाजपेयी जी का क्या जवाब देंगे?
कि 18 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कहां पहुंचा दिया। वाजपेयी जी की प्रासंगिकता क्या है? अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो नहीं बोले, नीतीश कुमार जी की पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए आत्मघाती दस्ते की तरह आचरण नहीं करे, फिर इनकी पूछ क्या है? भले ही इनका पर आपने तो आरोप लगाया था कि बीजेपी के कहने पर इन्होंने किया, आपने तो आरोप लगाया था इन पर कि बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान ने मुझे हरवाने का साजिश रचा, इसी बात को बोल के तो आरजेडी के साथ कहते हैं आप। ये बीजेपी के साथ कितने दिखते हैं वो चिराग पासवान जी के बयान से आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान जी ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया। मैं बस इतना कह रहा हूं, वाजपेयी जी केवल एक व्यक्ति की आलोचना करने से लगातार, सुनिए ना, आपको मैंने रोका नहीं ना, अब सुन लीजिए, ये आखिरी सेगमेंट है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं हम लोगों के, पूरी बात जानी चाहिए। देखिए पहली बात क्या है, नीतीश कुमार जी 1985 में विधायक हुए, 89 में एमपी हुए और लगातार केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर लगातार कई कार्यकाल उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पूरा किया। इतना शानदार कैरियर, उसके बाद आपको उनके लिए कोई अफसोस जाहिर करने की जरूरत नहीं। ऐसा विराट व्यक्तित्व गढ़ने के लिए स्टूडियो में हम लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ये विरले कुछ राजनेताओं के हिस्से में इतना शानदार, जो पूरा का पूरा जो ये उनके जीवन को लेकर के जो ये शानदार 5 दशक का जो सफर है, इसको इतने हल्के में इसका आकलन नहीं करते। सही बात, बहुत सतही आकलन। चलिए कंक्लूडिंग कमेंट अजय आलोक जी का। अजय आलोक जी 28 को शपथ में जाएंगे आप? अरे आपने तो मुझे विट्ठल हरि नररी गार्गिल बना दिया, जबकि आपके सब सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, तब भी आप मानने को तैयार नहीं है, बताइए ना, आप मान के ही बैठे हुए कि राजीव भाई तो जाएंगे। अरे अब तथाकथित शपथ किसकी होगी, कब होगी, शादी कब टूटेगी, नया गठबंधन कब बनेगा, ये सब जब तो होगा तब होगा। अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ उसकी भविष्यवाणी करके आज मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्या छुपा हुआ हम दिखा ही रहे हैं कल से, जय छुपा हुआ ये है कि 28 को इस्तीफा देंगे, बीजेपी सपोर्ट करेगी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और जो एनडीए इंडिया का सूत्रधार था उसको तोड़कर बीजेपी को मनोबल तोड़ना है इंडिया गठबंधन का। सारिका जी ये पूरी की पूरी कहानी है, इसके चलते नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन, ये पूरी कहानी इंडिया गठबंधन तो पटना में पैदा हुआ था, पटना में खत्म हो गया। आप बोला अजय आलोक जी ने ब्रेकिंग न्यूज दिया, इंडिया गठबंधन पटना में बना था, पटना में खत्म हो गया, इसके मतलब शपथ में जाएंगे अजय आलोक जी? आप बोल दिया, देखिए बोल दिया, वो बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, बनते बात कहीं ना बन जाए। जवाब बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे तो जय प्रभु श्री राम। देखिए रामलला विराजित हुए, घमंडिया बर्ड सैंक्चुरी की तरह इकट्ठा हुए थे, सीजन खत्म हुआ, सब घमंडिया अलग 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 अपने रास्ते पकड़ लेंगे। यही पर रुकेंगे और एक आध शेर राजीव रंजन जी, अजय आलोक जी आप भी सुना देते मुझे चलते चलते, अजय आलोक जी सुना दीजिए ना कुछ, आपका हाल है दिल बता दीजिए। मैंने तो कहा कि कहां मेरा हाल है दिल, हम बहुत आराम से हैं। छोड़िए शेर, बेचारे किसी के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मुझे सारिका जी को देख के लग रहा है बस हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आखिरी लाइन मैं बोल देता हूँ।